सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल फर्जीवाड़ा मामला। एसआईटी की जांच में खुलासा, 2 साल में 4,500 से अधिक मरीजों का हुआ आयुष्मान योजना में इलाज। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल ने करीब 4,500 से अधिक मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया है। यह मरीज जबलपुर जिले के अलावा पड़ोसी जिले के भी हैं। यह खुलासा हुआ है कि एसआईटी की जांच में डॉक्टर अश्विनी पाठक ने अपने अस्पताल में फर्जी मरीजों को भर्ती कर इलाज किया और फिर आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए सरकार से वसूले। एसआईटी प्रमुख एएसपी गोपाल खंडेल ने बताया कि सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 4,843 मरीजों का इलाज किया गया। आयुष्मान योजना के तहत जिन मरीजों का अभी तक सेंट्रल किडनी इंडिया किडनी अस्पताल में इलाज किया गया है, उसकी फाइल आयुष्मान योजना से जुड़े विभाग से ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अश्विनी पाठक के अस्पताल में आयुष्मान योजना में वो इलाज को प्राथमिकता दी जाती है जो कि महंगे होते हैं। एसआईटी उन मरीजों को भी तलाश कर रही है जो कि आयुष्मान योजना के तहत सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अश्विनी पाठक के अस्पताल में फर्जी मरीजों को अस्पताल में एडमिट होने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 से 2,000 रुपए दिए जाते थे। डॉक्टर अश्विनी पाठक ने अस्पताल में लगे होटल के कमरों में भी मरीजों को भर्ती करवा रखा था। डॉक्टर अश्विनी पाठक इस सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के द्वारा आयुष्मान कार्ड धारी मरीजों को एक दिन में ही कार्ड बनवा दिया जाता था। एसआईटी की जांच में यह पता चला कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता था, तो अस्पताल में एक ही दिन में उसका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता था। अस्पताल संचालक दुहिता पाठक और उसके पति डॉक्टर अश्विनी कुमार पाठक के कहने पर पहले उस मरीज का आयुष्मान कार्ड बनाते और फिर उसके जरिए शासन को चूना लगाने का काम करते थे। 26 अगस्त को एसपी को मिली सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल और होटल बीगा में छापा मारकर खुलासा किया था कि डॉक्टर अश्विनी पाठक अपने अस्पताल और होटल वीरा में फर्जी मरीजों को भर्ती कर आयुष्मान योजना के तहत लाखों रुपए कमा रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर अश्विनी पाठक और उनकी पत्नी अभी जेल में हैं। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।